नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और जैसा कि भाजपा सरकार में बताया गया कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, इसी की कड़ी में उन्होंने यह भी बताया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल बनाया जाएगा। और उसकी सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और सरकार बनते ही उन्होंने इस पर कार्रवाई चालू कर दी है। अब ये देखना है कि ये जो स्टार्ट हुआ है वो कहां तक कारगर साबित होगा। इसके लिए हम बात करेंगे महिलाओं से और लड़कियों से कि उनके लिए ये कितना कारगर साबित होगा।